अस्सलाम वालेकुम गाइस, 3-2-1 प्ले हो गया। तो गाइस ये जो ढूक लाइफ है ये हमेशा पकड़ेंगे, क्यों महंगा पीछे पाएगा है ये मेरे इसको फाड़ देंगे। क्या फाकेंगे मुझे को बोलेंगे क्या हो गया तंगवी भाई। अरे बोलो बोलो पिया भाई बोलो। अच्छा तो मैं इसकी झज्जियां उड़ा दूंगा, मैं इसको बता दूं फाड़ देंगे, इसको फाड़ देंगे। काश उस रात भी नहीं फटा होता तो तुम ना होते आज। मैं इसकी झज्जियां उड़ा दूंगा, ये डॉग लाइफ के जितने भी ये रोस्टर रोस्टर है ना सब, भले मेरी शक्ल खुद कुत्ते ही है लेकिन ये भी कुत्ता ही है। इसको फाड़ देंगे। अबे कंगवी भाई क्या फाड़ेंगे फाड़ेंगे मुझे को बोलने को मुझे को बोलने को। मैं तुझे बता रहा हूँ देख, हमें रोक मत किया कर वरना मैं तेरी झज्जियां उड़ा दूंगा। फाड़ देंगे बता रहा हूँ भाई फाड़ देंगे। अबे कंगवी भाई तुमने मेरी खेल जीतने के आराम दिए यार फाड़ देंगे। तो क्या हाल है फिर से वापसी। तो आज मैं आपको बताऊंगा YouTube के रिश्ते के बारे में। जिस तरीके से इंसानों में रिश्ते होते हैं बिल्कुल इसी तरह से YouTube में भी रिश्ते होते हैं। जैसे कि YouTube का बाप डकी भाई, YouTube का एक अच्छा फैमिली व्लॉगर लड़का जैसे कि मास सफदर, YouTube का एक हरामी लड़का जैसे कि धूप लाइफ, YouTube का बर्गर जैसे कि YouTube का सबसे छोटा बेटा वैम्पायर वाइटी, YouTube की अच्छी बहने अच्छी लड़कियां सिस्टर लॉजी, इसी तरीके से बिल्कुल YouTube की फुप्पो भी है जिसका नाम है नादिर अली, जो कि आपस में क्रिकेटर्स को लड़वाते। नादिर अली भाई देखो ये हरकतें ना करो, अच्छी बात नहीं होती। बाकी खैर जो तुम्हारा अपना कंटेंट है मर्जी है, लेकिन मैं आज बात करूंगा YouTube के कसाई के बारे में। भाई ये जो YouTube का कसाई है ये रबीका का दूसरा भाई है। रबीका 18 से आगे नहीं बढ़ के देती, ये 21 से आगे बढ़ के नहीं दे रहा। बात तो सही है। ओए भाई साहब, अरे भाई ये सो, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, बहादुर रहमान का कंटेंट, ओए भाई साहब, ओए भैंस की टांग से लेके ओए भैंस की टांग ओए भाई साहब पे ही खत्म हो जाता है। फाद भाई इतने मेहनती इतना कुर्बानी देने वाले ब्लॉगर है लेकिन वो कुर्बानी अपनी नहीं जानवरों की देते हैं। अगर जानवरों को काटना एक कंटेंट है तो ऐसे तो हमारी लाइवा फ्रॉम लालू खेत तो बहुत बड़ी कंटेंट क्रिएटर है, आए दिन किसी ना किसी का काट रही होती है। आप लोग कितना प्यारा है, इसकी शक्ल तो मेरे जैसी लग रही है यार। अरे नहीं फाद भाई यहाँ पे कैसे मिल सकता है, चूहे और कुत्ते में बड़ा फर्क होता है। अगर फाद भाई की पर्सनालिटी में एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो वो होगा रोहित फ्रॉम कोई मिल गया। क्या मतलब शरीर तो बड़ा हो गया लेकिन दिमाग बच्चों वाला है। मैं सांडे का मुझे सब आता है। अरे भाई साहब ये दोनों मियां भी हैं, इनके बच्चे कहाँ हैं? बच्चे नहीं हैं, तो इन्हें पल रीड करेंगे। फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। तुम नहीं करवा दो। नहीं भाई भरोसा रख, भाई भरोसा रख, बच्चों के लिए कंटेंट बनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा कंटेंट होता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत, वाओ। बच्चों के लिए चुम्मियां करवा रहे हो? बच्चों को ये सिखा रहे हो आप कि ये दो मियां बीवी है तो चुम्मियां कराओ यार, उनका फ्यूचर बर्बाद मत करो यार। ठीक है कर दे ज़िबा। हाँ कर दो ज़िबा। फाद भाई मेरा गोभी खा लो प्लीज, थोड़ा और ताकत आ जाएगी। आती उन्हें नजर लग जाती है। आ तो जाऊंगा ना इसके अंदर, कोशिश करेंगे थोड़ी छत उठाने की। आ जाऊं बैठ के देखे 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 अभी ये तो फंस आ जाएंगे यहां से। आ गए, ये तो मैं फंस गया। अब बताएं बैठे जा रहा है इसको, एक मिनट इधर रख दे। ये तो मैं फंस गया यार, उठाएं थोड़ी सी और। क्या कॉमेडी हो रही है, इतना बच्चों जैसा कंटेंट, ये तो बोन बेबी वाला कपल के वो नहीं जब बच्चा पेट में होता है, ये तो वो वाला कंटेंट, इतना बच्चों जैसा कंटेंट, इससे अच्छा तो बंदा पोगो पे चुटकी और छोटा भीम के हरामीपन देख ले। फहद भाई इन रियल लाइफ। हम लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी देर से मैं फहद भाई के लिए जा रहा हूँ, ये पिल्ले पे क्यों नहीं आके दे रहा हूँ। जी रिलैक्स गाइस, आपका भाई पिल्ले पे आ रहा है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छी है क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं आता, बिल्ली की लेंडियां भी पड़ी हुई है देखो। जहरीली मुंबई की छपरी औरत है, पिल्ली की लेंटिया, ये क्या होता है? सीधा सीधा बोल देना पिल्ले का कॉन्टेंट पड़ा। अमीर हो गए, उसका मतलब कैमरा ऑन किया हुआ है तो मुझे छोड़ दोगे, मुझे भूल जाओगे।
भाई अमीर की पॉटी भी इससे अच्छी होती होगी। सोच कैसे लिया? यकीन करेगा तनिरा, इसके मुंह से बदबू आ रही है। पिल्ले के तारा मतलब बोल भी बोल रहा है बदबू का, जिसके मुंह में खुद गटर भरा हुआ होता है। ए भगवान, आज ही बदल लिया साला। नेक्स्ट टाइम अगर मेरे पे रोस्ट आया ना, खुदा की कसम खा लो, मैं खुदा की कसम फाड़ देंगे। फाड़ तो देंगे, यकीन कर मैं तेरा पता निकलवा दूंगा। एड्रेस निकलवाना है? अबे एड्रेस तो मैं तुझे ऐसे ही बता देता हूँ, नॉर्थ। और नॉर्थ आने से पहले सिर्फ एक बात याद रखियो बेटा, ये नॉर्थ है, यहाँ पे तेरी मौत है। 3-2-1 प्ले हो गया। गाइस एक सच सच बात बताना, दोनों में से कौन अच्छा लग रहा है? देखो पिल्ली और पिल्ले, सच बात कहूँ मैं, दोनों के दोनों चूका लग रहे हो। पिल्ले मेरे भाई, मैं तुझे रोस्ट कर करके थक गया हूँ बिल्कुल। यकीन कर, तुझे रोस्ट करने के लिए तेरी वीडियोस देखनी पड़ती है। जब तेरी वीडियोस देखनी पड़ती है तो तेरा मनुष्य चेहरा देखना पड़ता है, जो तूने मावा खा खा के बनाया है। सही है, और ये सब देख के मेरा पिल्ले हो रहा है भाई। आज के बाद से सब खत्म, सारी लड़ाई वड़ाई खत्म। अच्छा लगा हो तो कॉमेंट लाजमी करना अपना फेवरेट पार्ट, और अब किसको रोस्ट करना है वो भी कॉमेंट में बता देना लाजमी। और अगर इंस्टाग्राम पे आपने मुझे फॉलो नहीं किया, यकीन जानो तुम जिंदगी की बहुत बड़ी बकचोदी मिस कर रहे हो, क्योंकि रोज मैं वहां पे वीडियो डालता हूँ। फादुर रहमान जी, बात भाई को सुनने में आया तू मुझे रोस्ट कर रहा है? आपको रोस्ट? अरे नहीं भाई, क्या हो गया? मैं सिर्फ पिल्ले पिल्ले को कर सकता हूँ, आप लोगों तक मेरा हाथ नहीं पहुँचा। आप मेरे बड़े भाई यार, मेरा घर का बच्चा बच्चा कंटेंट देखता है, जिसके अंदर दिमाग नहीं होता वो भी देख। बताऊँ अभी तुझे मैं, मतलब मैं भी देखता हूँ, सब देखते हैं आपका कॉन्टेंट। उफ उफ। अबे साले, अगर कुत्ता हलाल होता ना तो सबसे पहले तेरे को हलाल करके खाता, मेरे से पंगा ले रहा है। नहीं नहीं, आपको रोस्ट कर ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता। शाबाश, रोज मत करना, वरना मैं बता रहा हूँ, जैसे मुर्गियों को रोज करता हूँ ना, वैसे तेरे को भी रोज कर दूंगा। आई लव यू यार।